गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन जो टॉपिक है उसे। अब तक की क्लासेज में हमने इंग्लिश ग्रामर में हमारा एक टॉपिक है, फर्स्ट में हमने शुरू किया है टेंस। टेंस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज की न्यू क्लास से हम आज शुरू करने जा रहे हैं नाउन, जो इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस में सबसे मेन पार्ट होता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में नाउन जो वर्ड है नाउन को अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो नाउन टॉपिक है इसको लगभग एकेडमिक क्लासेस में कोई भी लगभग नहीं पढ़ाते हैं, तो इसी को सिखाने के हिसाब से आज हमने ये टॉपिक पहले लिया है कि ग्रामर के जो और टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। पर पहले उनको पढ़ने से पहले जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इनको अगर हम पहले करते हैं तो और टॉपिक्स को लर्निंग करने में भी थोड़ा हमें इजी गोइंग काम हो जाएगा। और ये जो टॉपिक हम पढ़ते नहीं हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, तो इसीलिए आज हमने ये टॉपिक लिया है। टॉपिक का नाम है नाउन, जो बहुत कॉमन वर्ड है जो आपने सुन रखा है। बट अधिकांश स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ पास कर लेते हैं, ट्वेल्थ पास ही क्या ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं और वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बट वहाँ तक भी मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को फेस किया है, वहाँ तक भी वो लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते कि नाउन क्या होता है। वहाँ भी अगर उन्हें उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ नाउन, तो ऐसा मानते हैं कि नाउन एक शब्द होता है जो किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, वही नाउन होता है। बट इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। नाउन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को लर्निंग करें। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नाउन जो है वो नाउन क्या होता है हम देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है, एक वर्ड लिखा है, नाउन। क्या कहते हैं इसको? नाउन, और नाउन को हम कहेंगे संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब नाउन का जो मीनिंग है वो क्या होता है? नाउन का मीनिंग होता है नेमिंग वर्ड्स। क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स मतलब नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज़ को हम जिस नाम से जानते हैं, या जिस व्यक्ति को हम जिस नाम से जानते हैं, या जिस स्थान को हम जिस नाम से जानते हैं, या जिस काम को हम जिस नाम से जानते हैं, या जिस गुण को, क्वालिटी को हम जिस नाम से जानते हैं, वो नाम ही क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। देखिए हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं हिंदी विषय में कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण। इसमें आप एक चीज़ और ऐड करेंगे, जैसे व्यक्ति हो गया तो ह्यूमन, नॉन ह्यूमन सब हो गया, तो इसमें एक शब्द और लिखेंगे जानवर। क्या लिखेंगे? जानवर का अगर नाम है तो वो नाम भी क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जानवर, स्थान, गुण, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात उसका जो नाम है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका जो नाम है वो नाम क्या है? संज्ञा है। कोई वस्तु है, कोई थिंग है, जैसे ये क्या है? मार्कर पेन है। इसका नाम क्या है? पेन, मार्कर पेन। तो ये मार्कर पेन जो शब्द है ये क्या है? एक संज्ञा है। स्थान, कोई भी जो स्थान है, स्थान जो है
स्थान का जो नाम है वो नाम क्या है, संज्ञा है, मतलब नाउन है। कोई भी गुण है, कोई भी क्या है, गुण, वो भी क्या है, संज्ञा है। गुण के अलावा एक चीज़ आप और देखिए, स्थिति, क्या है, स्थिति। स्थिति का मतलब है जैसे मैं स्वस्थ हूँ, या फिर मैं बीमार हूँ, या फिर मैं सुंदर हूँ, या फिर मैं ईमानदार हूँ, या फिर मैं गरीब हूँ, ये सब क्या है, आदमी की स्थिति बताते हैं। तो ये जो स्थिति वाले जो शब्द हैं, जिसको जिस नाम से जाना जाता है, ये भी क्या है, एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो आपने देखा नाउन क्या है, नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड्स। नाउन मतलब क्या है, नेमिंग वर्ड्स, मतलब जिसका जो नाम है वो नाम ही क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर हमने इसको हिंदी से कनेक्ट करके देखा कि जैसे संज्ञा जो होती है उसकी क्या परिभाषा होती है, उसको कैसे जानते हैं। तो जैसे हम एकेडमिक क्लासेज में शुरुआत में पढ़ते थे कि संज्ञा क्या होती है, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आपने देखा कोई भी व्यक्ति है, वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बड़ा है, उसका जो नाम है वो नाम क्या है, संज्ञा है। कोई भी वस्तु है, जैसे चेयर है, टेबल है, कोई भी पेन है, बुक है, शर्ट है, पैंट है, फैन है, कोई भी फ्रेम है, तो ये जो भी वस्तु है वो वस्तु का जो नाम अपन ने दिया है वो नाम क्या है, संज्ञा है। कोई भी जो स्थान है, जैसे बूंदी है, कोटा है, अजमेर है, जयपुर है, अपना गांव है, तो वो जो गांव जो है, गांव है, शहर है, जो भी उसका जो नाम है उसको प्रॉपर किस नाम से जानते हैं, वो क्या है, स्थान का जो नाम है वो भी क्या है, एक संज्ञा है। फिर बात करें गुण की, गुण का मतलब होता है क्वालिटी, और क्वालिटी का मतलब आप जानते हैं, क्वालिटी मैंने आपको बताया, जैसे क्वालिटी है वो सुंदर है, या वो बदसूरत है, उसमें ईमानदारी का गुण है, तो भी क्या है, ये भी जो नाम अगर अपन ने उसको जो नाम दिया है वो नाउन है। उसकी जो स्थिति है, स्वस्थ है, बीमार है, कोई भी जानवर है, जैसे ओक्स है, काव है, बफेलो है, इनको जिस नाम से जानते हैं, भाई ये है इसको ओक्स कहते हैं, ये जो है इसको काव कहते हैं, इसको बफेलो कहते हैं, तो उसका जो नाम है वो भी क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है। तो इनका जो नाम है, नाम शब्द ही क्या है, संज्ञा है। अगर हम इस चीज़ को समझ गए कि जिसका जो नाम है वो नाम का जो शब्द है वो शब्द ही क्या है, संज्ञा है। तो देखो नाउन जो है, नाउन को संज्ञा कहते हैं, और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि नेमिंग वर्ड्स। नाउन का सीधा सीधा अर्थ क्या है, नेमिंग वर्ड्स। और मैंने आपको बता ही दिया दो बार कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे चलिए, नाउन जो है उसके कितने काइंड होते हैं, मतलब वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखो आगे चलकर इसके डिवाइडेशन और हो जाते हैं, बट यहाँ पर इसका डिवाइडेशन यह है कि नाउन जो है वो दो तरह का होता है। नाउन कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है। कैसे, पहला जो होता है जिसको हम हिंदी में कहेंगे गणनीय संज्ञा, क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा, और इसको कहेंगे अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब जिसे गिना जा सके, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अगणनीय संज्ञा जिसे गिन नहीं सकते, जिसे गिन नहीं सकते, अर्थात उसको इकाई में गिन नहीं सकते, उसको उसके वजन को तोल सकते हैं, उसकी मात्रा को नाप सकते हैं, बट उसको हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो ये जो गणनीय संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन, क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। और ये जो अगणनीय संज्ञा है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसको इसके वजन को तोल सकते हैं, इसकी मात्रा को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, बट हम इसकी इकाई को गिन नहीं सकते, तो ये अगणनीय जो संज्ञा है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। जैसे गणनीय संज्ञा को हमने क्या कहा, काउंटेबल नाउन, और अगणनीय संज्ञा को हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन जो है, संज्ञा है, उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया, उसके जो मेन काइंड्स जो होते हैं उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया है। पहला है जिसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको गिन सकते हैं। सेकंड जो है जिसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको गिन नहीं सकते, जिसकी मात्रा को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, वजन को तोल सकते हैं, बट उसको गिना नहीं जा सकता। ये जो काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ये जो है इसके अलग काइंड होते हैं, और फिर इसके अलग काइंड होते हैं, मतलब दोनों के अलग अलग टाइप्स और भी है, अभी हम देख रहे हैं।
ये जो है गणनीय संज्ञा, इसको लेते हैं। गणनीय संज्ञा जो है ये कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? गणनीय जो संज्ञा है, पहला है इसमें जिसको हम कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड जो है उसको कहेंगे जाति वाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जाति वाचक संज्ञा। और थर्ड जो है उसको हम कहेंगे समूह वाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जातिवाचक जो संज्ञा है उसको कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, और जो समूहवाचक जो संज्ञा है उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्शन है, समूह है। नाउन जो है उसके दो टाइप होते हैं, दो मेन टाइप होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होता है उसके थ्री टाइप होते हैं, मतलब ये तीन तरीके से जाना जाता है। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, और थर्ड है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये भी हम समझेंगे। पहले इधर देखते हैं अगणनीय संज्ञा जिसको गिन नहीं सकते, इसके भी टू टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला जो है उसको हम कहते हैं द्रव्य वाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल नाउन। क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। मटेरियल हम कहते हैं कोई भी मटेरियल, कोई भी जो चीज़ होती है उसको मटेरियल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो ये है सेकंड जो है इसको कहते हैं अगणनीय जो संज्ञा होती है उसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जिसको हम भाव से समझते हैं। वो अदृश्य होती है चीज़, वो दिखती नहीं है, उसको केवल हम भाव से समझते हैं, उसके शब्द को हम समझ जाते हैं कि शब्द का मीनिंग ये होता है, ये चीज़ ऐसी होती है। देखिए नाउन जो है, नाउन के टू टाइप होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जो नाउन होता है उसके थ्री टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके टू टाइप होते हैं, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो हमारे पास आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार हैं, या नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास सीधे सीधे कितने प्रकार हो गए? पाँच प्रकार हो गए। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, और फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो नाउन है उस नाउन के कितने टाइप होते हैं? फाइव टाइप होते हैं। अब आज की जो क्लास है हम देख रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स है, मतलब जिस वस्तु का जो नाम है वो नाम ही क्या है, नाउन है। मतलब नेमिंग वर्ड्स इक्वल नाउन, नेमिंग वर्ड्स इक्वल नाउन, मतलब नेमिंग वर्ड्स जो है वही नाउन है। किसी भी व्यक्ति का, जानवर का, वस्तु का, स्थान का, गुण का, स्थिति का जो नाम है वो नाउन है। जैसे फिर हमने देखा कि नाउन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो दो प्रकार का है, अमटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो काउंटेबल नाउन जो होता है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। काउंटेबल जो नाउन है वो दो तरह का हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब उसका जो नंबर है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बट जो ये है अगणनीय नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन, इसको ये केवल कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, मतलब एस या ईएस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, बट प्लूरल बनाने के लिए इसमें और शब्द ऐड करके और तरीके से हम इसको प्लूरल के रूप में काम में ले सकते हैं, मतलब उसके साथ और चीज़ हमें एडजेक्टिव के रूप में ऐड करनी होती है। तो देखो आज की क्लास में हमने नाउन की बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखी है कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी देखा कि नाउन जो है उसके बारे में पूरी डिटेल प्राप्त करी है, पूरी जो जानकारी थी वो हमने लिए है, अब यहाँ तक हमने देखा है। अब हम फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसका कैसे नाम होगा, कोई भी वस्तु है उसका कैसा नाम होगा, कोई भी स्थान है उसका कैसा नाम होगा, और कोई भी गुण है, जानवर है, स्थिति है, तो किस प्रकार से हम उसको समझेंगे, आगे समझते हैं कैसे नाउन को हम बता डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी पर्सन है, पर्सन का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का नाम। तो जैसे नाम है जैसे रमेश, क्या नाम है, रमेश, या फिर कोई गर्ल का नाम है रानी, कोई भी मेल है या फीमेल है उसका जो नाम है, पर्सन का जो नाम है वो क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। जैसे प्लेस, प्लेस में है जैसे बूंदी, ये क्या स्थान का नाम है, या फिर कोटा या फिर जयपुर, ये भी क्या है, स्थान का नाम है, क्या है, स्थान का नाम है। तो व्यक्ति स्थान हो गया, इसके अलावा थिंग, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी क्या है, वस्तु है, जैसे फैन, फैन पंखा जो क्या है वो भी एक वस्तु है, या फिर बुक जो है किताब है वो भी क्या है, एक वस्तु है, पेन जो है वो भी क्या है, एक वस्तु है। तो कोई भी जो थिंग है, थिंग्स है, वो क्या है, उसका जो नाम है वो एक नाउन है। आगे है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, या फिर क्या है वो, क्लेवर है, क्या है वो, क्लेवर है। तो ऑनेस्टी, क्लेवर ऐसे जो शब्द हैं ये क्या बताते हैं, आदमी की क्वालिटी, मतलब उसमें गुण, अब वो अवगुण भी हो सकता है, क्वालिटी का मतलब जो है वो गुण अवगुण दोनों हो सकता है। आगे है कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति, जैसे मान लो आदमी बीमार है तो उसको क्या कहेंगे, इलनेस मतलब बीमारी, वो क्या है, उसकी कंडीशन है, इलनेस क्या है, उसकी कंडीशन है। तो ऐसे जो शब्द हैं, इलनेस जो शब्द है ये क्या है, एक नाउन है, क्या है ये, एक नाउन है। ऑनेस्टी जो शब्द है ये क्या है, एक नाउन है। क्लेवर जो है वो क्या है, नाउन है। फैन, बुक, पेन, ये सब क्या है, थिंग्स के नाम है। तो देखो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी गुण और कोई भी स्थिति, अब यहाँ हम ले लेते हैं एनिमल, क्या ले लेते हैं, एनिमल जिसको हम कहते हैं जानवर, क्या कहते हैं, जानवर। जैसे जानवर का मतलब इसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स वो भी आ गए, जानवर का मतलब यहाँ क्या है, एनिमल्स एंड बर्ड्स। जैसे क्रो, अब क्रो क्या है, कौवा क्या है, एक पक्षी का नाम है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। काव, काव क्या है, एक जानवर है, जानवर का नाम है काव, उसकी प्रजाति है। या फिर ओक्स, ये क्या है, उसकी प्रजाति है। एलिफेंट, ये भी क्या है, एक प्रजाति है, मतलब ये एनिमल है, काइंड ऑफ एनिमल है। तो इनके जो नाम हैं, ये जो नाम जो मैंने लिखे हैं, ये नाम भी क्या है, ये नाम जो है ये नाम भी नाउन है, क्या है, नाउन है। तो देखो अभी हमने देखा कि नाउन जो है किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, और उस परिभाषा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, स्थिति, गुण जो आए हैं उसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है कि इनको नाउन कहते हैं, ये जो शब्द होते हैं नाउन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति का नाम बता रहा है तो व्यक्ति का जो नाम है वो नाम शब्द क्या है, नाउन है। अगर कोई स्थान आया है तो स्थान का जो नाम है वो नाउन, नाम क्या है, नाउन है। कोई थिंग है, वस्तु है, तो वो क्या है, एक नाउन है। कोई भी क्वालिटी है, कोई व्यक्ति वस्तु, कोई व्यक्ति विशेष की कोई अगर क्वालिटी है तो वो क्वालिटी क्या है, नाउन है। कोई कंडीशन जो है, स्थिति है, आदमी की स्थिति बताता है, वो स्थिति क्या है, नाउन है। एनिमल या बर्ड का जो नाम है वो नाम क्या है, नाउन है।
मतलब सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि जिसका जो नाम है वो नाम ही क्या है, नाउन है। मतलब जिसका जो नाम है, जैसे ये देखने की जो दो आइटम है, ये आइटम का नाम क्या है, आइज है, क्या है, आइज है। तो आइज जो शब्द है वो क्या है, नाउन है। तो देखो आज की क्लास में हम इतना ही कवर कर पाएंगे, बाकी इसके आगे जो है कल की क्लास में हम करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, अवस्टक नाउन क्या होता है। आज क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप अच्छे से इस क्लास को देखें, अगर एक बार में आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो अगली बार और देखें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।